उत्तर प्रदेश राज्य के प्रमुख उद्यानों व अभ्यारण्यों पर चल रही हमारी इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं दिव्यांश शुक्ला। हमारे आज के इस अंक में हम चर्चा करेंगे राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य व चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य की। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य वर्ष 1979 में एक राष्ट्रीय अभ्यारण्य के रूप में स्थापित राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य भारत के तीन राज्यों मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के क्षेत्रों के अंतर्गत आता है। चंबल नदी के किनारे स्थित इस राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य का उद्देश्य दरअसल चंबल नदी के पारिस्थितिकी तंत्र को सुरक्षित रखना है। उत्तर प्रदेश में यह अभ्यारण्य आगरा तथा इटावा जिलों के क्षेत्रों में फैला है। अगर यहाँ के वन्यजीवों की बात करें तो यह अभ्यारण्य मुख्य रूप से घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है। यही वजह है कि इसे राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्यजीव अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता है। घड़ियालों के अलावा यहाँ के अन्य आकर्षणों में गैंगेटिक डॉल्फिन, मगरमच्छ और रेड क्राउंड रूफ टर्टल यानी कि लाल मुकुट वाला कछुआ भी शामिल हैं। गौरतलब है कि घड़ियाल को IUCN की रेड डेटा लिस्ट में घोर संकटग्रस्त या क्रिटिकली एंडेंजर्ड, वाइल्डलाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के स्केड्यूल 1 और साइट्स के परिशिष्ट 1 में रखा गया है। इसके अलावा लाल मुकुट वाले कछुए का IUCN स्टेटस घोर संकटग्रस्त यानी क्रिटिकली एंडेंजर्ड का है। चलिए अब बात करते हैं हमारे इस एपिसोड के दूसरे अभ्यारण्य की, जिसका नाम है चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य। वाराणसी के दक्षिण पूर्वी दिशा की ओर स्थित चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के अंतर्गत आता है। विंध्य पर्वतों में स्थित यह अभ्यारण्य दरअसल काशी वाइल्डलाइफ डिवीजन का एक अहम हिस्सा है। वर्ष 1957 में स्थापित चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य का नाम यहां बहने वाली चंद्रप्रभा नदी के नाम पर रखा गया है, जो कि कर्मनाशा नदी की एक सहायक नदी है। गौरतलब है कि ये ही दोनों नदियां काशी के वनों से होते हुए गंगा नदी में जा मिलती हैं। इसके अलावा राजदारी झरना तथा देवदारी झरना यहां के मुख्य आकर्षणों में से एक हैं। यहां पाए जाने वाले जीव जंतुओं में हिरण, घड़ियाल व विभिन्न दुर्लभ पक्षी शामिल हैं।